Welcome dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Meera Girls College, Udaipur, would like to discuss in this video about the third type of external secretory structures present in plants. It is hydathorts. It is part of Botany Paper 2nd, Unit 2nd of BSc 2nd year. तो हाइडेथॉर्ट्स अर्थात जल रंध्र जो कि एक विशेष प्रकार की एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर या बाह्य स्रावी संरचनाएं हैं उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू अर्थात स्रावी स्थायी ऊतक। और इस स्रावी स्थायी ऊतक के प्रथम भाग एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर की चर्चा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में की थी और हमने ये देखा था कि सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू या स्रावी ऊतक को पौधे में उसकी स्थिति के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला बाह्य स्रावी संरचनाएं एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर अंतःस्रावी संरचनाएं। और एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर क्या होती हैं वो भी हमने देख लिया था। दे आर एपिडर्मल इन ओरिजिन और कभी कभी दे आर डिराइव फ्रॉम सब एपिडर्मल लेयर्स एंड द सीक्रेशन जो उनसे बाहर निकल रहा है इट इज थ्रोन आउट थ्रू द सीक्रेटरी सेल और टिश्यू। तो ये हमने देखा कि तीन प्रकार के मुख्यतः एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स पौधों में मिलती हैं। पहला ग्लैन्युलर ट्राइक्रोम्स, ग्रंथिल रोम, नेक्टरीज, मकरंद कोश और तीसरा है हाइडेथॉर्ट्स जलरंध्र जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं। हाइडेथॉर्ट्स जलरंध्र, जलरंध्र व्हाट आर दीज? दीज आर सम वाटर एक्सक्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स विच आर लिविंग इन द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। ऐसे पौधे जो कि आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं उसके अंदर जल बाहर निकालने वाली, जल का निस्राव करने वाली ऐसी संरचनाएं हैं। और कहां मिलती हैं? पौधे के अंदर पत्तियों के मार्जिन पे, अलोंग द मार्जिन्स और टिप, पत्तियों के टिप पे, शीर्ष पे ये मिलती हैं। और ये कब एक्टिव होती हैं हाइड्रोथॉर्ट्स? व्हेन दे आर एक्टिव? दे आर एक्टिव ओनली व्हेन द रूट प्रेशर इंक्रीजेस। जो मूल दाब है वो बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है? ड्यू टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन अंडर द ह्यूमिड कंडीशंस। क्योंकि पता है आप लोगों को जब आर्द्रता होती है वातावरण में, जब वातावरण में नमी होती है तो वाष्पोत्सर्जन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और जब वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है तो मूल के अंदर प्रेशर, रूट प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब रूट प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसका जो रूट का जो जल है वो कोशिकाओं से निकल करके मेसोफिल यानी जो पर्ण मध्योतक है उसके अंतरकोशिकीय अवकाश जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें आके इकट्ठा हो जाता है और वहां से फिर बूंदों के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में जल रंध्रों के द्वारा, वाटर पोर्स के द्वारा बाहर निकल के आता है। और इस प्रकार जल का बूंदों के रूप में, रंध्र के रूप में, रंध्र के द्वारा बाहर निकलना गट्टेशन कहलाता है, इसे बिंदु स्त्राव भी कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप याद रखें डेफिनेशन ऑफ गट्टेशन, व्हेन द वाटर कम्स आउट इन द ड्रॉप्स थ्रू द वाटर पोर्स इट इज नोन एज गट्टेशन, इसे बिंदु स्त्राव कहा जाता है जो हाइडेथॉर्ट्स या जलरंध्र के द्वारा होता है। अब ये देखें कि हाइडेथॉर्ट्स कितने प्रकार के हैं। जनरली हाइडेथॉर्ट्स थ्री टाइप्स के मिलते हैं। पहला यूनिसेल्यूलर हाइडेथॉर्ट्स, एक कोशिकीय जलरंध्र। सेकेंड ट्राइक्योम हाइडेथॉर्ट्स जिसका तत्पर्य है रोम जलरंध्र। एंड तीसरे जो है विशेष प्रकार के होते हैं हाइडेथॉर्ट्स विथ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, जो जिसके अंदर जल का वाहन करने वाले कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं या वाहिनिकाएं मिल रही हैं वो वाले जलरंध्र। तो तीन प्रकार के जलरंध्र पौधों में देखने को मिल रहे हैं। तो पहला प्रकार हम सबसे पहले देखते हैं यूनिसेल्यूलर हाइडेथॉर्ट्स, एक कोशिकीय जलरंध्र। एक कोशिकीय जलरंध्र जो है ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स, उनकी एपिडर्मल सेल्स से बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे म्यूसिलेजिनस पैपिला के रूप में बाहर निकलते हैं। इट इज अ स्मॉल म्यूसिलेजिनस पैपिला प्रोट्रूडिंग आउटसाइड द एपिडर्मल सरफेस, जो पैपिला के रूप में एपिडर्मिस से बाहर निकलते हुए आपको दिखते हैं और उनके साथ एक नैरो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल उनके साथ जुड़ी हुई होती है विच मेंटेन्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द पैपिला एंड द सेल कैविटी। उसके साथ गुहिका और पेपिला के साथ जो कनेक्शन बना के रखती है वो एक कैनाल जो है, गुहिका भी उसके साथ लगी रहती है। तो दीज आर सम वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स विच आर इंटरस्पर्स्ड अमंग द एपिडर्मल सेल्स
एपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में ये इंटरस्पर्स्ड होती हैं ऑन बोथ एबैक्सियल एंड एंडेक्सियल लीफ सर्फेसेस. तो अभ्यक्ष और अपाक्ष दोनों ही सर्फेस पे लीफ की ये आपको दोनों ये यूनिसेल्युलर हाइड्रोथ्रोट्स देखने को मिलते हैं छोटे छोटे श्लेष्मिक पेपिला के रूप में बाहर आते हुए. और ये इसका फोटोग्राफ एक देख रहे हैं आप, यूनिसेल्युलर पेपिला, यूनिसेल्युलर पेपिलिस के पेपिला के फॉर्म में एक हाइड्रोथ्रोट जलरंध्र जो कि एपिडर्मल सेल्स के बीच में इंटरस्पर्स दिख रहा है. और ये दो कुछ दो पौधे के एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं, एनामिल्टा कोकुलस एंड गोनोकायरम पायरीफॉर्मी. इन पौधों के अंदर यूनिसेल्युलर हाइड्रोथ्रोट्स देखने को मिलते हैं. द सेकेंड कैटेगरी इज ट्राइकोम हाइड्रोथ्रोट्स, अर्थात जिसे हिंदी में रोम जलरंध्र कहा जाता है. रोम जलरंध्र जो है दे आर कैपिटेट स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स. तो यानी जिसे आप हिंदी में कहते हैं समुंड और शल्क रूपी संरचनाएं हैं, कैपिटेट स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में मिलते हैं, शल्की संरचनाओं के रूप में ये मिलते हैं. और दीज आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशी के ट्राइकोम्स के जैसे ही दिखते हैं. और इनका जो फूट अर्थात जो इनका आधारी भाग है वो एक से छह कोशिकीय हो सकता है, यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है. एक से छह कोशिकीय हो सकता है, इसे फूट कहते हैं. और ये फूट जनरली बाह्य त्वचा जो होती है एम्बेडेड उसमें रहता है, एपिडर्मिस के अंदर एम्बेडेड रहता है, अंदर धसा हुआ रहता है. और इस फूट के ऊपर बॉडी रहती है, वो बॉडी या तो एक कोशिकीय हो सकती है या बहुकोशिकीय हो सकती है. तो ये आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ के अंदर, आप इजीली देख सकते हैं कि आपको फूट सेल दिख रही है, ये एक से अधिक कोशिकीय फूट उसका बना हुआ फूट सेल से, और बॉडी सेल आपको एक ही दिख रही है. और ये फूट सेल आपको एपिडर्मिस की कोशिकाओं के अंदर अंदर एम्बेडेड दिख रहा है. यहां आप देख रहे हो कि ये फूट सेल सिंगुलर सेल का, एक सेल का बना हुआ है, और बॉडी सेल्स मल्टी सेलुलर आपको दिख रही हैं. और ये जो ट्राइकोम हाइड्रोथ्रोट्स हैं इसमें जो बॉडी है, बॉडी की जो समीपस्थ कोशिका जो होती है वो उसके अंदर कई बार झिर्री के समान छोटे छोटे से गर्त भी मिलते हैं, पिट्स भी मिलते हैं. और जो टर्मिनल सेल होती है बॉडी की, वो जब ये हाइड्रोथ्रोट्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो डेड हो जाती है, इट बिकम्स डेड एट द मैच्योरिटी. और इसके अंदर फिर क्या होता है, जो वाटर इसमें इकट्ठा हुआ होता है उस टर्मिनल सेल में, वो बाहर आ जाता है थ्रू द लेटरल वॉल्स. और इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ पौधों के नाम भी मैं लिख रही हूँ, कुछ फैमिलीज के नाम यहाँ बता रही हूँ. पहला है पाइपर नाइग्रम, जिसे काली मिर्च आप जानते हैं, ये आपके इकोनॉमिक बॉटनी का भी एक पार्ट है आपकी फिफ्थ यूनिट का, उसमें भी हम इसे पढ़ेंगे इन द स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स. दूसरा प्लांट जैसे फेसियोलस मल्टीफ्लोरस. उसके अलावा कुछ फैमिलीज हैं जैसे बिग्नोनियसी फैमिली, उसका पौधे कॉन्वोलेसी फैमिली, उसके पौधे फेबेसी फैमिली जैसे आपका जिसमें मटर कुल के पौधे जिसे आप कहते हो, और पाइपरेसी जो आपने देख ही लिया पाइपर नाइग्रम. तो इनके कुछ पौधों के अंदर, फेबेसी का एक पौधा यहाँ लिख ही रखा है हमने, फेसियोलस मल्टीफ्लोरस, तो इनके कुछ पौधों में इस प्रकार के ट्राइकोम हाइड्रोथ्रोट्स देखने को मिलते हैं जिसे आप कहते हैं रोम जलरंध्र. तो पहला आपने देखा था जो यूनिसेलुलर हाइड्रोथ्रोट्स है, एक कोशिकीय जलरंध्र. सेकेंड आपने देख लिया है ट्राइकोम हाइड्रोथ्रोट्स. और अब थर्ड जो हम देख रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्हें हम कह रहे हैं हाइड्रोथ्रोट्स हैविंग वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, जिनके अंदर पानी का संवहन करने वाले कुछ तत्व भी मिल रहे हैं. ये इस प्रकार के जलरंध्र मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म पौधे आवृतबीजी पौधों की पत्तियों में देखने को मिलते हैं. और मोस्टली कहाँ लोकेटेड होते हैं इस प्रकार के जलरंध्र, दे आर लोकेटेड एट द लीफ मार्जिन्स, लीफ की पत्ती की जो मार्जिन्स है उस मार्जिन्स पे, और ऑन द सीरेशंस, जो साइड में सीरेशंस आप देखते हो, या टिप के ऊपर, और एट द एंड ऑफ वेन. यहां पे इस प्रकार के जलरंध्र देखने को इसमें मिलते हैं, यानी शिराओं के अंतस्थ छोर पे भी आप पत्तियों के अंदर इस प्रकार के जलरंध्र देख सकते हो. और अब यहां एक इंपॉर्टेंट टिश्यू की बात मैं करने वाली हूं, इसे आप अच्छे से समझे, इसे हम एपिथेम टिश्यू कहते हैं. ये एपिथेम टिश्यू जो है, इट इज अ प्रोलिफरेशन टिश्यू, इट इज अ प्रोलिफरेशन टिश्यू या प्रचूर्णी ऊतक कहते हैं, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स, जो कि मीजोफिल कोशिकाएं पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से बन रहा है, विच इज लिविंग एडजेसेंट टू द वेस्कुलर बंडल्स. यानी क्या होता है कि जो पत्ती है, पत्ती के अंदर वेन्स होती हैं, शिराएं होती हैं, उनके जो टर्मिनल भाग होते हैं उस पर संवहन पुल अगर है उपस्थित, तो संवहन पुल या वेस्कुलर बंडल के चारों ओर जितनी भी मेजोफिल कोशिकाएं हैं, पर्णमध्योतक कोशिकाएं हैं, वे ही विभाजित होकर के एक बड़ा सा प्रोलिफरेशन टिश्यू बना देती हैं, और उस टिश्यू को हम एपिथेम कह देते हैं. और ये जो एपिथेम कोशिकाएं हैं, इसकी कोशिका भित्ति जो है बहुत ही पतली होती है, थिन वॉल्ड,
और कोशिका द्रव्य इसमें सघन डेंसली साइटोप्लाज्मिक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें कि एपिटेम कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, दे आर क्लोरोप्लास्ट डेफिशिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, दे आर क्लोरोप्लास्ट डेफिशिएंट, जबकि इनके पास वाली कोशिकाएं जो है मेसोफिल सेल्स हैं, पर्णमध्यस्थ कोशिकाएं। आपको पता ही है लीफ की मेसोफिल सेल्स के अंदर तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, परंतु इसमें और एपिथेम में ये डिफरेंस है कि एपिथेम की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। अब ये जो एपिथेम के बाहर की ओर की जो ऊपर की ओर जो बाहि त्वचा की कोशिकाएं एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, वो कई बार एपिडर्मल सेल्स जो होती है दे डिवाइड एंड दे फॉर्म टू गार्ड सेल्स। तो जैसा हमने यहां लिखा है, एपिडर्मल सेल्स विच आर ओवरलाइंग द एपिथेम टिश्यू डिवाइड्स टू फॉर्म टू गार्ड सेल्स। एंड ये जो गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं जो बनती हैं, इनमें उस प्रकार की मोबिलिटी नहीं होती जैसे कि रंध्रों के चारों ओर जो दोनों ओर जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं, उस तरीके की इनमें मोबिलिटी तो नहीं है, परंतु गार्ड सेल्स के द्वारा ढकी हुई ये बाहि त्वचा की कोशिका विभाजित होकर के एपिथेम के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। और ये एपिथेम इसके नीचे की और इसके अंदर अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ एपिथेम टिश्यू। और ये इंटरसेलुलर जो स्पेसेस हैं उनका संबंध किससे होता है, टर्मिनल ट्रेकीड से, वाहिनिकाओं से उनका संपर्क होता है। और जब जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है या रूट प्रेशर बढ़ता है तो ये वाटर जो है पानी बाहर आ जाता है इन ट्रेकीड्स के द्वारा, और पानी बाहर आकर के ड्रॉप्स के रूप में इन टर्मिनल पोर्स के द्वारा बाहर बूंदों के रूप में डिस्चार्ज हो जाता है। या तो वो पहले जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसके अंदर इकट्ठा रहेगा, और जैसे ही ये बड़ा प्रेशर, तब ये जलरंध्र के सिरे पर स्थित जो पोर है उस पोर टर्मिनल पोर के द्वारा बूंदों के रूप में बाहर निकल आता है, और इसीलिए हम इसे प्रोसेस गट्टेशन कहते हैं। तो ये इस डायग्राम वाटर हाइविड थॉट का एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनल, ये जितने भी ट्रैकीड्स आपको दिख रही हैं, ट्रैकीड्स दीज आर ऑल ट्रैकीड्स, ये ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं। और ये बीच बीच में इसमें खाली स्थान जो दिख रहे हैं कोशिकाओं के बीच का, इसे इंटरसेलुलर स्पेसेस कह रहे हैं, तो बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है। और ये जो कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल एपिथेम टिश्यू, प्रोलीफरेटिव टिश्यू विच इज डेवलप्ड फ्रॉम मेसोफिल सेल्स। तो ये प्रोलीफरेटिव टिश्यू, ये मेसोफिल की कोशिकाएं हैं, ये पेलिसेट टिश्यू और मेसोफिल की सेल्स स्पंजी पैरेन्काइमा, ये दोनों इसके पास में है। और ये एपिथेम कहां दिख रहा है आपको, वेन के बिल्कुल टिप पे। और यहां आप देख रहे हैं कि गार्ड सेल लाइक एक स्ट्रक्चर डेवलप हो चुकी है और एक स्टोमेटल कैविटी लाइक स्ट्रक्चर भी है। तो जब रूट प्रेशर इकट्ठा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ट्रेकीट से पानी एपिथेम और एपिथेम से आया इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ स्टोमेटल कैविटी लाइक इस जगह इकट्ठा हुआ, और फिर इस गार्ड सेल के द्वारा, ये जो टर्मिनल पोर के द्वारा बूंदों के रूप में पानी बाहर आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को गट्टेशन कहते हैं या बिंदु स्राव कहते हैं। तो ये जल रंध्र स्पेशली हाइड्रोथॉट, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में पाए जाने वाले इसी प्रकार के हाइड्रोथॉट हैं। और इसके साथ ही हमारा एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया था ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स को और नेक्टरीज को, और अब इस वीडियो में हमने हाइड्रोथॉट्स को कंप्लीट किया, और ये तीनों प्रकार की स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।